चार बंदियां शेर। हर बात के अंदर जब तक दर्द ना वह, फिर दर्द ताई पैदा वह जब इश्क जलाल पैदा वह। शायर फतेह मोहम्मद साहब राणे लिखिया, लाभ लाण की पूछो पतंग कोलो, निकले विच तो आफ के जान जिसकी, शोर नहीं करियो मेहरबानी करियो। पतंग उड़ू की गल पूछनी, जिस वेले शमा बल है तो पतंग उड़ तो चले आवे, कितनी सोहनी उड़ान वाली जिंदगी ले गया आवे, लेकिन शमा तो कुर्बान कर गए ते जिंदगी वापस लेकर नहीं जा। तो यारी को दावा जुड़ो पक्को जाहिर करके दस के चले जाए, हार खा कर नहीं जा तो बल्कि कमाल दस के जाए। उसने के यारी आज भी इस दुनिया मारी के अंदर यारी का ना ना दाग ला गया, तो लोग काफी काफी मंजिलों के नाल खेड करता रहे। अगर यारी होर चीज है, यारी अगर वह तो फिर पतंग जी सी। शायर अपना ख्याल के अंदर फिर तेल लिखे
मुहब्बतां दी ना वक्त है ना यार रह गए। तो गल भी हकीकत है कि मजनू जिसा यार की त्रिया 12 साल रुस के जेड़ा एक जागा बिच बैस रहा, एक पहाड़ के अंदर बैस रहा कि अल्लाह ते लैलम नहीं दी थी, ते मेरी मर्जी नहीं मनी तो मैं भी तेरी मर्जी हूं नहीं मननी, ना सा आगे जान दी तो ना पीछे जान दी तो 12 साल रुस के कंजा बैस। देखो आशिक कितना पक्का था, बार मिसाल भी अगर लकड़ियां आलो पहाड़ा को फाट ना मार तो उस वक्त भी सा आगे पीछे नहीं चले, लेकिन उस वाला भी पहले भी सा ज्यादा हाई निकली तो मुंह ते आवाज केड़ी आई, हाई ले लो। देखो इशिक क्या चीज है, फिर रांझो गिरावो करे छेड़ेंगे ऊपर के अफसोस है, इन्नी मेरे पर बड़ो जुल्म कियो, मेरा कोलो हीर जुदा करी। शायर गल को जवाब दिया कर नहीं, जो तेरे नाल जुल्म नहीं होयो खासा नाल होयो। जुलेखा नाल मिसाक दा साक ऐसी, यूसुफ को साग जुड़ो थो वो मिसाक को होयो वो थो। फिर हजरत बीबी जुलेखा ने नबी यूसुफ का जमन से पहला 40 साल ख्वाब में देखियो थो, उस वक्त पूछो थो तेरो के ना है, तो नबी यूसुफ ने दस्यो ना कि मेरो ना अजीज मिसर है। वो हुसन उस वक्त देखियो वो तो आज 40 साल था पैदा होने, तो बीबी जुलेखा जात बालिंग हो गई, बाप ने पूछो कि तेरो अकद कराऊं, उसने उस वक्त क्यों कहा मैं अकद अगर करनो तो अजीज मिसर ना करनो, क्योंकि ख्वाब में गल कही भी थी अजीज मिसर जिड़ा था तब वो नबी यूसुफ नहीं था उस वक्त, वो मैं जो पैदा ही नहीं होया था। अजीज मिसर उसने कहा था जो मिसर को बादशाह वे, मिसर को बादशाह केड़ा था तैमूस बादशाह, तो शक्ल को भी बहुत अच्छो थो काबल थो, गाड़ी भी बैटरी लागे शक्ल नजर नहीं आवे थी, इतना खूबसूरत थो। लेकिन बीबी जुलेखा को कहन थो मैं अजीज मिसर के नाल करनो है, तो तक नहीं देखियो जब तक निकाह हो, पीछे शौक थी कि यह वही सूरत है शायद जी मैं ख्वाब में देखी थी, जल सूरत देखी तो उस वक्त परेशान हो गया, हा बाद का और सूरत थी या का और सूरत। तो शायर कह रहा जाना तू गिरावो ना कर, मैं बड़ा बड़ा पर गुजरा। इंसान के अपने हथू का गल हो जाए, अक्सर लोग जब किसी मुश्किल से बचे ने कह दी तो लियो अगे आगे बचता मैं गल के, जिसलै रुड़ जाए उसले कह का गल बड़ी हो गई, ये दो गल नाल ही। लेकिन शायर साबित कर गया दिया नबी यूसुफ ने जब ख्वाब देखी तो बाप ने मना किया कि ख्वाब ना दसी पाइया या राज रखिए, तो एक दफा गल थी। दूजा जब शीशो देखियो उस वक्त दिल के अंदर ख्याल गुजर गया, केड़ो ख्याल गुजर गयो अगर यह सूरत किसी ने खरीदनी हुआ है तो फिर कितनी ये कीमत इसकी की जाए, बेचने वालों कितनी कीमत करे तो लेने वालों किस तरह खरीदे, अगर ऐसी सूरत देनी हुआ अपनी सूरत देख के यह गल सोची जेन में कही किसी ने नहीं, अल्लाह ताला की जात ना बगल नजर में रहेगी। फिर चलता चलता खूह की बार देखी, फिर वे बिकन की बार भी देखी, लास्ट मिस्र में जद पहुंचो जद बीवी से लेखन नहीं खरीदियो उस वक्त सारा खजाना सटिया लोगों ने पूरा नहीं होया, एक बुढ़ी दौड़ी वा भी चले गई अपने कोला उसके कोला किड़ी सरमाया थी सूद की कट्टी थी बाबा ही ले गए दौड़ी, लोगों ने पूछियो कि बड़ा बड़ा खजाना नाल नबी यूसुफ का वजन नहीं किया जातो, बड़ी बड़ी खजाना सटिया तो नहीं हो तेरी सूत की हट्टी नाल क्यों होना, नहीं उस शौक नाल नहीं आई बल्कि मैं शर्मा जद अल्लाह की जात अपना यूसुफ का खरीदारा ना बुलावेगा उनमें मेरे ना भी बैगो, ऐ शौक नाल दौड़ गया।
तो नबी यूसुफ ना उस वक्त जिब्राइल ने आगे क्यों, अल्लाह ने हुक्म किया जिब्राइल ने जा कर्म कह गया भैया वही सूरत है, इसको देखे तो कोई ले सके कोई यो मूल पार सके, देखो सूरत की वह सूद की हट्टी कीमत हुई तो गमान खत्म हो गया। इसे न सियाना लोग कह के जब किसे बलागा मुंह में फांसी अल्लाह माफ करे, उस वक्त की गालियां वह भाई का बड़ी गल होगी शायद ता इस बला का मुंह में फांस गयो, अगर किसी बलाते को बच्चे देखा भाई दी तो लियो गया। फिर इशक सवाल नहीं था तो मारे के था ते आशिक आशिक अरे के आके ते आशिक मरता वे मरते वे ना आज की बात नहीं या चलती कौन तो आशिकन लोग की बात चले समस्त मरेज जैसा बास लाली के कब्र में साहब नहीं, समस्त मरेज साहब ने बास लाली के कब्र के अंदर साहब नहीं है, कोई मुर्दो गुजर गया वो तो मौलाना साहब ने तकरीर करी तो भाई साहब है नमाज पढ़ो सच्चाई चलो, समस्त अमरेज मलंग था नच कुदया भाई को हिसाब नहीं मर गयो बंदो मुक गयो तो केड़ो हिसाब है, तो बास लग गई जिस वक्त बास लग गई मौलवी ने इस गल के अंदर पकड़ लियो कि भाई अगर हिसाब नहीं है तो शर्त रखा इस गल को मुतालो करा, शम्स साहब ने शर्त रखी, क्या शर्त रखी कि अगर मुर्दाना साहब है मेरे साहब इस तो लियो है तो फिर शम्स ने अपनी चम ला के दे छोड़, अगर साहब नहीं है तो फिर मौलवी ने भी यह गल रखी कि भाई वो भी अपनी चम चाह दियो एक दूजा को चम लानो यह शर्त होगी। रात को टाइम हो गया मुर्दो दफन कर गए एक पानी को एक पांडो रख छिड़े ऊपर शर्त के वास्ते कि सुबह देखेंगा यो पांडो डुल्यो है या नहीं डुल्यो, शर्त इसी पास हो रात सुता हुआ है तब तक ख्वाब आ गए सरकारे मदीना ख्वाब में आ गए, जिले ख्वाब में आया देखा तो एक पानी की टूटी भी कूल ना बनाए लगा, शमस ने पूछो कि तुम टूटी भी कूल ना क्यों बनाए लगाओ, तो सरकार मदीना ने जवाब दी तो मैं शमस या दीन की कूल थी या कूल तू आई तोड़ गया ता हूं खुद बनाऊं लगो, उसे वक्त जागे और उसे वक्त दौड़ गए कब्रिस्तान की तरफ ले गए अपना जिड़ा संदर था उसके कोल कब्र राते इकला ही नहीं खोल गए पानी डोल गए मैयत के सिर उल्टी हाल कर गए कब्र फिर बंद कर गए सरगी न मोड़ गए वापस आ, सुबह जा शर्त के ऊपर फिर खड़ो हो देखो अल्लाह का मलंग क्या चीज, खोलो जी कब्र का देखा जब कब्र खोली तो देखो तो हिसाब हो जना नहीं जा कम किया वो थो लेकिन मौलवी की बात सच्ची करा छुड़ी शरीयत को मामलो टूटन नहीं दी तो मौलवी जोश में आ गए भाई देख कितनों गलत है कल किए तो रास्ते वाकस मत है बस एकदम शर्त वाला बंदा जरा तैयार हो गया तो शमस को चमड़ो लाड़ू, शमस ने क्या इस तरह मेरे चमड़ो लाने की कोई जरूरत नहीं तो मेरी शर्त है, तो चांद उसकी ऐसी थी सिरगा छता पहुंचे थी ना पैर को छत जुड़ो
कण फरा करके अपना आत्मा पकड़ी ते चम अपना ने क्योंकि अल्लाह को हुक्म करना उतर जा मेरी लफस है मेरे झूठो न करी एकदम चमड़ो उतर गई चमड़ो जल लाके दे छिड़ियो तो बस हर एक ना अपनी नजर में यह गल लगी कि देखो कितने झूठो बंदो तो देखियो हूं चम लथो तो के बने चल गयो नस गयो जेड़ा कोई देखा हम भाई वो शख्स है जिसको चमड़ो लाया हुआ उसके नेड़े कौन लगा है 40 दिन कोई नजदीक नहीं जातो और 40 दिन नस्तो रही और भूखो बिल्कुल 40 दिन अक्सर एक कसाई की दुकान था आगे उसका भी गोश खत्म हो गया कुछ छोड़ा बदू शदू दरिया वहां मैं भी जबरदस्ती उसको लिया दुकान बंद ना कर सके वो जब तक समझ पहुंच के दूध ले गया हूं फिर कौन फोन कर दे कोई नेड़ा नहीं जानने तो भाई गुनगार बंद हो उसको जला लायो उसका दीनर मुंह किया था तू भी समझ तो हूं भी समझ आ मैंने ये फोन कर दे सर दी एकदम आ गए मर्द को कहनो जैसा दी आयत अल्लाह को घर कौन ने बगदाद में पता चले यारमी वाला पीर ने दौड़ता पहुंचे एकदम आगे पहुंचा है शमस जरा थम पूरा इलाका नगर कर उसको शमस ने क्यों खाए हूं अपने वास्ते साग भुनू दे इलाको में घर कर लियो तेरो ना कोई तो हथ लिया तो सिर करनी तो लाश करनी है वे कतल नहीं होता ये कतल हो गया हम अपने वहां से साग भुन लगो मैं तो किसी ने कुछ नहीं किया उस वक्त यार मेला नहीं क्यों कहा हूं इसके बाद जिस आलमा भी मेरे को जो मदद मंगेगो उसकी मदद जरूर हो इस लफज के ऊपर रह गया इसलिए यह लफज उन्होंने की यारहवीं वाला पीर नहीं की हर शमस नहीं दीने को चल मुड़ जा अल्लाह के बाद नहीं मुड़ गया तो यह बात नहीं इजहार करी के राज के राज अपनी बचत रखी अगलंगे सामने अपनी मंजिल जीड़ी आवाज जाहिर करके दसी तो कैनान के बीच आज भी लोग सीधो मकान बना के ले चले पूरा तैयार करें वो आपे डिंगो हो जाए तो मर्द की दुआ है और अक्सर लोग कहेंगे तेरा आड़ है जिड़ो तेरा आड़ ना बड़ी गर्मी हुआ है मर्द को एक दिन मुकरार किया हुआ है उस तेरा आड़ के ऊपर आज भी कैनान में वो दी बराबर उतना टाइम आ गया जितना टाइम उस वक्त आया था ता जाके आशिक बने फिर खासी लंबी मंजिल इस तरह भी खासो दौड़ना पड़ा साबर नबली सुवे सद माता का डावे सद साबर उनके नाल कितना बड़ा मामला होया अल्लाह की जात ने जाके शैतान अबलीस ने क्यों पैदा दुनिया का बेशक पैदा करे पर जितना सजदा हूं करूं तो उतना कोई नहीं करता जितनी वफा तेरी का हूं करूं तो उतनी कोई नहीं करता अल्लाह ने क्या देख है जा रहे अयूब ने देख कितनी क्या वफा मेरी करे तो शैतान ने क्यों वफा तो बेशक अखा करे वो लेकिन वो माल है बहुत ज्यादा उसके कुल तो ही करे लगो ते राज का माल दी तो वो जा देखेगा वो माल भी नहीं रह से फिर भी वो मेरी सेवा करेगा मेरी याद जरूर करेगा वो माल भी खत्म हो गया फिर
कहन लगो कि जा उसका कोला देख, आज वो माल नहीं रहे हो। आखा तो उसके कोला औलाद बहुत सारी है ना, पूत है ना बहुत सारा, उसने ना पूतंग उसने पूत भी नहीं रहा। फिर तीजी मरतबा कहने लगो जा देख, आज भी वो मेरा जिक्र करे लगो, वो शुक्र करे लगो, वो उसके कोला उसन है ना, लेकिन हाय फिर भी निकल। एक दिन जाते कीड़ो चढ़ गयो, एक बार भी चढ़े, दूजी बार भी चढ़े और तीजी बार भी चढ़े, उस दिन आए पकार निकली। उस वक्त अल्लाह की जात ने कहना होगा कि आज मेरा कीड़ा ने भी मेरी नफरत हो गई, और किसी गल वास्ते नहीं रोना मगर इस गल वास्ते रोना कि इन कीड़ा ने भी आज मेरी नफरत हो। फिर उस दे तन कीड़े पाए ते भूले जुदा तर गया, जिस वक्त सुनी के कीड़ा के वास्ते जद आई करी हजरत अय्यूब ने, उस वेले अल्लाह की जात ने वही ने हुक्म किया कि जा हुण उसना रहमत का पानी के नाल स्नान करा गया, तो कौन उसकी अजवाज जड़ी थी पूरी हो गई, तई साबर ना पियो, नहीं तो अय्यूब था साबर फिर बाद मना, जद सबर कियो ता सबर साबर ना पियो। के मामला करे इब्राहिम खलील की खातिर आपको हो जाए गर्मी लग जाए, मगर काद शैतान ने आगे क्यों इब्राहिम देखे हो अल्लाह अल्लाह करे तो आज तेरे वास्ते आग को कीर बाले है ना, हूं पतो चले को तिना इब्राहिम नी के नहीं वो बात है नहीं। तो मेरा मौला की रजा भाई मेरी रजा भी, और इब्राहिम ने पूछो भाई के जरिए अल्लाह की जात नहीं कि तू नाराज मत है, चिखा में बेशक बनाई तू सुना तेरी रजा है कि नहीं, अल्लाह ताला की जात को कहनो और इब्राहिम को मन्नो। फिर अगर चिखा हो गई थी तो उसके बाद और किड़ी मंजिल की जरूरत थी। इसे इश्क खलील नबी नो देव
ही मगर चिखा पर चाड़ छुड़े थो, इस्माइल की क्या जरूरत थी कुर्बानी लेनी है। लेकिन नहीं, जिस तो इंतजाम लेनो वह बार बार लेनो वह, एक बार पास नहीं कोई भी हो तो। फिर मारा वास्ते अगर का लाज हो जाए, मारा को गुआंडी का चीज मांग लिया काम दे सका, फिर खास कर लखते जिगर ना कोई दे सके, लेगा फरार हो जाए। देखो आशिक क्या चीज है, फिर आशिकों की औलाद कैसी है। इस्माइल ने भी क्यों के जल्दी करने को मामलो है, देर ना हो जाए कि अल्लाह नाराज हो जाए। इसे इशक यूसुफ नबियो पैगंबर रब दाते इशक ऐसी चीज है। अभी यूसुफ जिस वक्त कैनान में सटे पाइया नहीं खूह के अंदर, तो शहर मिस्र के अंदर लैला ना पतो पहुंचे हो, लेकिन इश्क के जरिए कासत कोई नहीं गयो। सचो इश्क ऐसी चीज, फरहादे शाहजादे
ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕੁੰਜੀ ਓ ਯਾਰੋ ਤੇ ਕਰ।